वेलकम टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं आपको एक ऐसा DIY हेयर मास्क शेयर करने वाली हूँ जिसे लगाने से आपके बाल काफ़ी ज़्यादा स्मूथ, सिल्की एंड स्ट्रेट हो जाएंगे। मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ करने के बाद ही अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको किस तरह से बनाना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एग ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग एग ले सकते हो, 1-2 आप अपने हेयर के अकॉर्डिंग ले सकते हो। जिनकी ऑयली स्कैल्प है वो उसमें एग वाइट यूज़ करेगा, जिनकी नॉर्मल स्कैल्प है वो पूरा एक एग यूज़ कर सकता है, और जिनकी ड्राई स्कैल्प है वो एग योक यूज़ करेगा। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, फेंट लूँगी। उसके बाद फिर मैं इसमें 1 चम्मच चावल का आटा ऐड कर रही हूँ। मैंने ये चावल का आटा दरदरा पीसा है, आपको एकदम पाउडरी फॉर्म में पीसना है, बहुत ही बारीक होना चाहिए, इसके कण नहीं होने चाहिए। 1 चम्मच मैं यहाँ पर चावल का आटा ऐड कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं इसमें एल्फ गुडनेस की मुल्तानी मिट्टी ऐड कर रही हूँ। ये आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, लोकल शॉप में भी। अगर आप ये परचेस करना चाहते हो इसका मैं लिंक दे दूँगी। आपको 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी ऐड करनी है। उसके बाद फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लम्स ना बने। तो मैं इसे मिक्स कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ एलोवेरा जेल। आप प्लांट से तोड़ के भी फ्रेश एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो, या फिर मार्केट वाला भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे एल्प्स गुडनेस का यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का कर सकते हो। उसके बाद फिर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं इसमें हनी यूज़ कर रही हूँ, ये आपके बालों को सॉफ्ट बनाएगा, स्मूथ बनाएगा, और हनी आपके बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच जितनी हनी यूज़ कर लूँगी। जितने भी हमने इंग्रेडिएंट लिए वो सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट है, हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर आपको इसे स्टोर करके नहीं रखना है, आपको इसे इंस्टेंटली ही अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए, न ज़्यादा थिक न ज़्यादा थिन, मीडियम कंसिस्टेंसी है इसकी। आपको कुछ इस तरह से पेस्ट बनाना है। मैंने यहाँ पे चावल का आटा जो लिया था वो थोड़ा दरदरा था, मैंने जो गलती की वो आप ना करें, आप एकदम पाउडरी फॉर्म में बनाएं, उसके बाद ही अपने हेयर पे अप्लाई करें। तो आप देख सकते हो हेयर की कंडीशन किस तरह से, मैं अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं अपने सिस्टर के ऊपर अप्लाई करके आपको दिखा रही हूँ। तो आपको कुछ इस तरह से, सबसे पहले आप जब भी हेयर में अप्लाई करें आप अपने हेयर को अच्छे से कॉम कर लें, उसके बाद फिर हेयर मास्क अप्लाई करें। आप पार्टीशन कर करके एक एक सेक्शन ले लेके अपने बालों में अच्छे से लगाए, आप इसे स्कैल्प पे भी लगा सकते हो। मैं कुछ इस तरह से लगा रही हूँ, आप देख सकते हो वीडियो में, आपको इसी तरह से ही अप्लाई करना है पूरे हेयर पे। और जब भी आप ये हेयर मास्क लगाओ, आप हेयर मास्क लगाने के बाद अपने बालों में 1 मिनट तक के लिए मसाज दे दो। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कॉम्ब ले रही हूँ। मैं जैसे जैसे हेयर मास्क लगाती जाऊँगी मैं वैसे वैसे इसे कॉम करती जाऊँगी। मैंने एक सेक्शन लिया, हेयर मास्क लगाया, उसके बाद फिर मैं इसे वापस कॉम कर लूँगी। इसी तरह से मैं पूरे बालों में कर लूँगी। तो मैं आपको पूरे बालों में हेयर मास्क लगा के दिखाती हूँ मैंने किस तरह से अप्लाई किया है। तो कुछ इस तरह से मैंने पूरे बालों में हेयर मास्क अप्लाई कर लिया है। मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया है एक पुराना, जिससे मेरे कपड़े ख़राब नहीं होंगे, ज़्यादा मैसी नहीं होगा, क्योंकि मुझे वीडियो निकालनी थी। तो इसके लिए फिर मैंने ये कपड़ा लिया है, ताकि जहाँ पे मैं बैठी हूँ वो पूरा ख़राब ना हो। आप न्यूज़पेपर या फिर कोई कपड़ा बिछा लो जिससे रूम मैसी नहीं होगा। और ये आपको हेयर मास्क 15-20 मिनट्स तक के लिए रखना है। मैंने जब हेयर मास्क अप्लाई किया था तभी मैं कंटिन्यूसली कॉम कर रही थी, उसके 10 मिनट बाद फिर मैंने एक बार कॉम किया, उसके बाद फिर मैंने अपने हेयर वॉश कर लिए। तो आप देख सकते हो फाइनल रिजल्ट, इसने बालों को काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनाया है, स्मूथ बनाया है, और थोड़े बहुत स्ट्रेट भी लग रहे हैं। ये है मेरा फाइनल रिज़ल्ट, पूरी तरह से ड्राई हो चुकी है, मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, हेयर सीरम भी मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है। तो एक कुछ इस तरह से स्ट्रेट हुए। आप इसे हफ्ते में 1 से 2 बार अप्लाई करो, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेगा। आप 15 डेज तक ट्राई करके देखो, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन में आपको 70% अच्छे रिजल्ट मिलेगा। ट्राई करोगा आपके बाल आपको नेचुरली केमिकल फ्री बहुत ही अच्छे कम बजट में स्ट्रेट मिलेंगे। ये धीरे धीरे आपके बालों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्ट्रेट करता है, आपके बालों को सॉफ्ट हाइड्रेट बनाता है, मॉइस्चराइज बनाता है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो, यूज़फुल लगे, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर। आप मेरे अनदर वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आई कार्ड पे मेंशन किया, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो, बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी आज की वीडियो यूजफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।